कोमल, केशव और सुनील छुट्टियां मनाने सुनील के गांव गए। गांव के बीच रास्ते में उन्हें भूख लगती है। सुनील, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। हाँ, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। रात भी बहुत हो गई है, हमने दिन से कुछ खाया ही नहीं है। चलो, रास्ते में कोई अच्छा ढाबा दिखता है तो वहीं खाना खाने के लिए रुकते हैं। थोड़ी दूर रास्ते में सुनील को ढाबा दिखता है। वो चारों ढाबे पर अपनी गाड़ी रोकते हैं। अरे भैया, ढाबे वाले भैया। ढाबे के पास ही तीन चार लोग आग जलाकर बैठे होते हैं। उनमें से ढाबे वाला उठता है। कहाँ है गया भैया, इसे ढूंढा तो। भैया, कुछ खाने को मिलेगा? हम बहुत दूर से सफर कर रहे हैं और हम बहुत भूखे हैं। अरे भाई, आज तो कछु ना मिलेगा। क्यों भैया, रात बहुत हो गई है और इस गांव में रात 12 बजे के बाद कोई चूल्हा नहीं जलाता और ना ही कोई घर से बाहर निकलता है। ये बात सुनकर चारों दोस्त हैरान हो जाते हैं। अरे भैया, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी रात को बाहर ना निकले? नहीं बाबू, यहाँ कोई 12 बजे के बाद बाहर नहीं जाता। जंगल में एक शैतानी भूतिया भेड़िया की आत्मा घूमत है। ऐसा कुछ नहीं होता भैया, आपने कैसा महम पाल रखा है। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते। नहीं बेटा, हम सच बोलत है। 12 बजे के बाद जो कोई भी जंगल के रास्ते से जात है, उस भेड़िया की आत्मा उस आदमी को पकड़ लेत है। कौनो आदमी नहीं बचत उस खूंखार भेड़िया से। ये सुनकर अंजलि बहुत डर जाती है। अरे तुम इन भैया की बात मान लो, ये हमें झूठ क्यों बोलेंगे? हाँ बेटा, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, तभी तुम्हें बता रहा हूँ। वो भेड़िया किसी को नहीं छोड़ता, उसका मुंह आदमी का है और शरीर भेड़िये का। बहुत ही डरावना है, वो जिस भी आदमी की जान लेता है तो वो आदमी खुद ब खुद शैतानी भेड़िया बन जाता है। अरे सुनील, तुम छोड़ो ये सब बातें, हम आगे जाकर दूसरा ढाबा ढूंढते हैं। वो चारों गाड़ी लेकर आगे जंगल के रास्ते पर निकल जाते हैं। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। ओफो, अब ये क्या हो गया गाड़ी को? चलो बाहर चल के इंजन में देखें, कोई खराबी तो नहीं है। वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं और इंजन को देखने लगते हैं। अरे यार, ये तो इंजन ही फूंक गया है। ओफो, अरे अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम कोमल और अंजलि के साथ इधर रुको, मैं पानी लेकर आया। इंजन गर्म हो गया है, हम पानी मारेंगे तो शायद गाड़ी थोड़ी आगे तक चल जाए। ठीक है। सुनील पानी लेने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सुनील को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो भूतिया भेड़िया होता है। कौन है, कौन है वहाँ? तभी भूतिया भेड़िया सुनील के ऊपर हमला कर देता है। तुझे किसी ने बताया नहीं मेरे बारे में? अरे अरे, मुझे मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, छोड़। आज तो तेरी मौत है, तुझे कोई नहीं रोक सकता मरने से। अरे अरे, ऐसा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तभी भूतिया भेड़िया सुनील की गर्दन पर अपने पहने पहने नाखून से हमला करता है और सुनील को जान से मार देता है। सुनील को मारने के साथ ही भेड़िया सुनील का खून चखता है और सुनील के शरीर के अंदर आ जाता है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो भी मिलेगा सबको मार डालूंगा। काफी देर इंतजार करने के बाद, अरे बहुत देर हो गई, सुनील अभी तक नहीं आया। कहीं ढाबे वाला सच तो नहीं बोल रहा था, कभी उसे भेड़िये ने पकड़ लिया हो? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता न करो। तुम दोनों यहीं गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं एक बार सुनील को देखकर आया, ये किधर रह गया है। केशव सुनील को ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाकर उसे सुनील मिल जाता है। अरे तुम कहाँ रह गए थे, इतनी देर हो गई, मैं तो डर ही गया था। अरे मुझे पानी नहीं मिला। केशव और सुनील गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। वो उधर जाकर देखते हैं, तुम इतनी देर से किधर थे, हम दोनों कितना डर गए थे। अरे सुनील को कहीं पानी नहीं मिला,
सुनील तुम एक बार बैठो, मैं गाड़ी चलाकर देखता हूँ, क्या पता अब गाड़ी चल जाए। केशव गाड़ी में चाबी लगाता है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तभी गाड़ी खुद ब खुद चल पड़ती है। अरे वाह, गाड़ी ठीक हो गई, अब इस जंगल से हमें जल्दी बाहर निकल जाना है। सुनील के अंदर भूतिया भेड़िया मन ही मन में बहुत खुश होता है। इतने सारे लोगों का खून पीने में तो बहुत मजा आएगा। देखते ही देखते वो चारों अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। अगली सुबह केशव और उसके सारे दोस्त नाश्ता करने के लिए एक साथ बैठते हैं। अरे सुनील, तुम इतने शांत शांत क्यों बैठे हो? मैं कब से देख रहा हूँ, तुम जब से इधर आए हो किसी से कोई बातचीत ही नहीं कर रहे। सुनील उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। इतने में केशव की माँ पूनम उनके लिए खाना लेकर आती है। चलो बच्चों, तुम सब गर्मा गर्म नाश्ता कर लो। नाश्ते में पराठे, दही, अचार, ब्रेड सब होता है। सुनील ये नाश्ता देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये कैसा नाश्ता है? ऐसा खाना कौन खाता है? क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ अल्ग खाना था तो बता देते, मैंने तो बल्कि तुम्हारे पसंदीदा पराठे बनाए हैं। ये पराठे भी कोई खाने की चीज है क्या? पूनम ये सुनकर हैरान हो जाती है। सुनील तो हमेशा घर आकर मेरे हाथ के ही पराठे खाता था, फिर आज ये ऐसे क्यों बोल रहा है? फिर तुम्हें क्या खाना है बेटा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से बना लाऊंगी। मीट, मीट, सिर्फ मीट खाना है मुझे। ये सुनकर वहाँ बैठे सब हैरान हो जाते हैं। अरे सुनील, तुम कब से मीट खाने लग गए? तुम्हें तो मीट कभी पसंद ही नहीं था, तुम तो मीट को देखकर घिन करते थे। मीट के साथ मुझे खून की चाय चाहिए और मैं सिर्फ वही खाऊंगा। तभी अंजलि की नजर सुनील की गर्दन पर पड़ती है। अरे सुनील, ये तुम्हारी गर्दन पर क्या है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? सुनील, अरे कुछ नहीं, जंगल में जब पानी लेने गया था तो झाड़ियों में गिर गया था। सुनील खुद ब खुद मीट की बात भूल कर चुपचाप पराठे खाने लगता है। देखते ही देखते सुनील पराठे खाता ही जाता है। अरे बेटा, तुम तो बहुत भूखे हो। सुनील 25-30 पराठे खा जाता है। अरे अंजलि, अभी तो सुनील को पराठे खाने ही नहीं थे, अब एकदम से इसे क्या हो गया, ये तो खा ही जा रहा है। सुनील नाश्ता करके अपने कमरे में जाने लगता है। अरे सुनील, हम तो यहाँ घूमने आए हैं, तुम हमें अपना गांव नहीं दिखाओगे? लेकिन सुनील केशव की बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सुनील जब से जंगल के रास्ते से वापस आए है, ये बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। सही कहा तुमने, सुनील ऐसा तो कभी नहीं था। देखते ही देखते शाम हो जाती है और सोने चले जाते हैं। आधी रात में सुनील के अंदर का भूतिया भेड़िया अपने नए शिकार के लिए निकलता है। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे जो भी कोई मिलेगा तब को मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने बहुत दिनों से खून नहीं पिया। तभी अंजलि को बहुत जोर की प्यास लगती है और वो पानी लेने रसोई की तरफ जाती है। अंजलि को देख भूतिया भेड़िया बहुत खुश होता है और उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है। अंजलि रसोई में पानी पी रही होती है, इतने में ही भूतिया भेड़िया अंजलि की गर्दन पर सीधा वार करता है और उसका खून पीने लगता है। देखते ही देखते अंजलि किचन में अपना दम तोड़ देती है। ये सारा वाकया कोमल चुपके से देख लेती है और वो बहुत डर जाती है। कोमल चुपचाप कमरे में भाग जाती है और दरवाजा बंद करके सुबह होने का इंतजार करती है। अगले दिन पूनम सुबह उठकर अंजलि को रसोई में मरा हुआ देखती है। पूनम जोर जोर से चिल्लाती है, अरे ये क्या हुआ, ये रसोई में कैसे मरी पड़ी है? पूनम की आवाज सुन केशव, सुनील और कोमल रसोई में भाग कर आते हैं। अरे ये कैसे मर गई, इसको किसने मार डाला? कोमल उस समय कुछ नहीं बोलती और सुनील से डर रही होती है। अरे घर में कोई चोर तो नहीं घुसा था, कहीं वो इसे मार गया हो? थोड़ी ही देर बाद कोमल केशव को डर डर के बताती है, भूतिया भेड़िया। क्या हुआ कोमल, तुम्हें मुझे सच सच बताओ। अरे केशव, सुनील भूतिया भेड़िया बन चुका है, भेड़िया की आत्मा का वास है सुनील के अंदर और उसी ने अंजलि को जान से मारा है। मैंने ये सब रात को खुद अपनी आंखों से देखा है। कोमल रोने लग जाती है, अब हम में से कोई नहीं बचेगा, हमें ये भूतिया भेड़िया जान से मार डालेगा। कोमल और केशव सारी बात सुनील की माँ पूनम को बताते हैं। पूनम ये सब सुनकर बहुत डर जाती है और वो सब गांव के पंडित के पास जाते हैं। अरे पंडित जी, अनर्थ हो गया अनर्थ। क्या हुआ बच्चे? मेरे बेटे को जंगल वाले भूतिया भेड़िया ने मार दिया है और अब वो सबको जान से मार रहा है। किसका?
एक ही उपाय है मेरे पास। क्या? पंडित मंदिर में शेरावाली माता की मूर्ति का त्रिशूल पूनम को थमा देता है। आज रात जब भी वह भूत या भेड़िया किसी का शिकार करने निकले तो उसके पेट में बिना सोचे ये त्रिशूल मार देना, वो वहीं का वहीं मर जाएगा। ठीक है पंडित जी। पूनम और सब बच्चे घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रात होने के साथ ही सुनील के अंदर का भूतिया भेड़िया फिर किसी को मारने की तलाश में निकल पड़ता है। आजकल किसी का खून पियूंगा, कितना स्वाद लगता है खून। ये बात सुनील की माँ केशव और कोमल छिपकर सुन लेते हैं। अरे केशव, तुम इसके आगे जाओ, इसे तुम दिखोगे तो ये भूतिया भेड़िया तुम्हारी जान लेने आएगा। मैं तभी इसके पेट के अंदर ये माता रानी का त्रिशूल घुसा दूंगी। हाँ आंटी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। केशव पूनम का कहा मानता है और भूतिया भेड़िए के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। तो फिर आज तेरी मौत है, आज तेरा खून पीऊंगा। भूतिया भेड़िया केशव की तरफ उसे मारने ही जा रहा हो, इतने में पूनम भूतिया भेड़िया के पीछे त्रिशूल लेकर भागती है और उसके पेट में घुसा देती है।